सबसे पहले तो हमार भोजपुरिया श्रोता हमारे लिए भगवान है, पैर छू के नमस्ते करत नहीं, प्रणाम करत नहीं सबके, सब भैया चाचा भाई बहन के। आदि शक्ति म्यूजिक कंपनी के मालिक बैठल बनी आज हमारे घर पे, और किसी भी हमारे भाई हैं धनंजय सिंह जी जो फिल्म बना रहे हैं साथ में हरिया, और भी बहुत सारी फिल्में हैं, बिक्की सिंह जी हैं और हमारे बड़ भैया बुची सिंह जी। मुहूर्त में हम गए थे, हमको पता नहीं था पहले से, लेकिन ये तीनों भाई लोगों के वजह से आज हमारे भाई क्या नाम बताएं, मनोज मिश्रा जी हमारे घर पे बैठल बनी म्यूजिक कंपनी के यहाँ के मालिक हैं, भगवान करस की बहुत आगे यहाँ के बढ़ी। और गलती किसी से भी हो जाता है, ऐसा नहीं है, जिस इंसान को अपने गलती का रियलाइज हो जाए वो बस वही बहुत होता है। और इतने श्रद्धा से हमारे भाई फिल्म बना रहे हैं, और हमारे धनंजय जी बुची भैया बिक्की जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो बिल्कुल काम करूंगा अच्छे से और दिल से, काम करना है, हर रोज़ सीखना है, कुछ ना कुछ मिलता है सीखने को, बस गलती के एहसास हो गई हमने की। देखा भोजपुरी में हमार बाप दादा लोग ये सिखावेला कि बेटा हो, 6 महीना वाला जो रास्ता खराब हो और 1 साल वाला अच्छा हो, तो 6 महीना वाला न जाके 1 साल वाला अच्छे रास्ते से गुजरो, और तनी मुनी फायदा खाती इंसान के अपन कायदा ना बिगाड़े की चाहिए। बस भाई के मन में आ गया कि हाँ कुछ गलतियाँ हुई हैं, ये बस बात ख़त्म, भाई है हमारे और मिल के काम करेंगे हम लोग, सबको आगे बढ़ना है। जय है भोजपुरी जी भैया। सभी को नमस्ते, मैं धनंजय सिंह। ये मैटर कोई मैटर नहीं है, इसलिए नहीं है कि ये जो आज शक्ति के ऑनर हैं मनोज मिश्रा जी, बहुत ही अच्छे आदमी हैं, एक दिन ये हमको बुलवाएं, आके हमसे मिलें, हम और बुच्ची भैया हमारे हैं गार्जियन, हम लोगों से यहाँ के मिलने, भोजपुरी में बोलूँ तो ज़्यादा अच्छा रहे कि थोड़ा सा फोन भैया से हम बात कर चाहता नहीं, तो हम पूछने की बताई मैटर का बा, तो यहाँ के ये मैटर जो नबी भैया बतेने ये मैटर पर बात भैल, तो बाबा कहने कि हमरा अपन गलती के एहसास हो बा, हमरा अगर ना समझी में चीज़ हो गई रहे, तो बुच्ची भैया की तरफ से आई आदेश की ना एक चीज़ के शॉर्ट आउट करवा दिया जाओ, चूँकि वहाँ के गलती के एहसास जब हो गई बा, तो ये चीज़ के हम बिक्की जी के बतेनी, यहाँ के बिक्की सिंह जी, बिक्की बाबू ये चीज़ के तुरंत पवन भैया से बात कहनी, फिर हमने के बैठनी जहाँ बुच्ची भैया बिक्की सिंह जी और पवन भैया, भैया कहने की भाई हमारा चीज़ से कोई ये नहीं है, अगर वहाँ के एहसास हो गया तो हमारा तब से कोई इशू नहीं है और कोई मैटर झेले नहीं है हमारा खाते, और एक काम में बुच्ची भैया तो हेले बनी बिक्की जी के मेन सहयोग रहा दूसरे जौन भी वहाँ के एक पहले निकल ले रही ओकरा खातिर वहाँ की रियलाइज होता कि गलती भइल बा, तो एक आगे कोनो बात ही नहीं है क्या बुझी भैया, हम माफ़ी करनी पवन जी भी ओकरा के माफ करनी, तू वहाँ के बड़कपन बा उधार दिल के का उधार दिल के बनी, हाँ उधार दिल के बनी माफ करनी, बहुत अच्छा हम नहीं कहते भी कि मुल जुल के आगे काम कर जाओ। और पवन भैया के बारे में तो एक चीज़ हम बोल चाहम, चूँकि पूरा लगभग 2-4-10 लोग हम नहीं कब चिन्हत आ रहे जी उन्हीं के आशीर्वाद से, हाँ, और जहाँ तक हमार मानना बा दिल के राजा आदमी हैं वहाँ के, हमने के बात खास कर कोनो बात हमने के रख दी जाए वहाँ के ना ना कहिला, ठीक ना, तो वहाँ के एकदम कहने की ना भाई, जब आप लोग कहते हैं जैसे चाहम जैसे हम तैयार, एक फोन भैया के दिल से थैंक यू शुक्रिया,
बस यही मतलब और कुछ नहीं। ग्लोबल एडवर्टाइजर फॉर इनोवेटिव आउटडोर सॉल्यूशन। ग्लोबल एज अ कंपनी इट हैज नेवर कॉम्प्रोमाइज्ड ऑन इट्स सर्विस क्वालिटी एंड कमिटमेंट एंड दैट इज द रीजन आवर क्लाइंट्स डू कीप ऑन कमिंग अगेन एंड अगेन टू अस फॉर आवर सर्विस। द मिशन ऑफ द कंपनी इज टू राइज ऑन द ग्राफ ऑफ बेटरमेंट फॉर एवरी कैंपेन हैंडल्ड बाय अस। सर आपकी फिल्म द ग्रेट लीडर आ रही है, इस पर कुछ रोशनी डालिए। रोशनी लीडर के साथ अपने आप चलती है और हम क्या रोशनी डालेंगे उसके ऊपर। एक बहुत ही अच्छा विषय है इस फिल्म का, महिलाओं के प्रति जो है समाज में आजकल और कई गांवों में कई क्षेत्रों में अत्याचार होता है, उनको बढ़ावा नहीं दिया जाता, इसी के दायरे में ये कहानी बनी गई है। हीरो के पिता की भूमिका हम निभा रहे हैं और हमारी पत्नी जया जो है वो हमारी पत्नी का रोल कर रहे हैं। तो ये एक हिंदी वर्जन है, तो मुझे बड़ा गर्व है कि मैं इस फिल्म में काम कर रहा हूँ। द ग्रेट लीडर फिल्म के निर्माता दीपक सावंत हैं, जो पिछले 45 वर्षों से आपके मेकअप आर्टिस्ट हैं। लोग जानना चाहते हैं कि शूटिंग पर दीपक सावंत आपकी नज़र में मेकअप आर्टिस्ट होते हैं या निर्माता? ये मेकअप आर्टिस्ट पहले मेकअप हमारा करते हैं, उसके बाद ये निर्देशक बन जाते हैं। इस फिल्म की सफलता के लिए आप दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? ग्रेट लीडर जो है वो जा करके देखें और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आएगी और आपको सराहनीय लगेगी। दीपक जी की फिल्म के लिए ग्लोबल एडवर्टाइजर्स ने बहुत सपोर्ट किया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, जिन लोगों ने इनको सपोर्ट किया है उनको हम धन्यवाद देते हैं और इसी तरह उनको सहायता बनी रहे ताकि ऐसी फिल्मों का प्रचार हो, और उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और अभिनंदन और स्नेह और आदर। ग्लोबल एडवर्टाइजर फॉर इनोवेटिव आउटडोर सॉल्यूशंस।